हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नॉनवेज स्नैक बनाने वाले हैं जिसका नाम है चिकन 65। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं, 1 किलो बोनलेस चिकन लिया हुआ है। आपने देखा है मैंने इसको अच्छा क्लीन वॉश कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे देखिए बहुत सारा अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और दही पहले लिया है। इसको अच्छा मिक्स कर लूंगी मैं। देखिए मैंने अच्छा मिक्स कर लिया है। पहले मैंने ये 3 इंग्रेडिएंट्स पहले इसलिए मिक्स करे हैं क्योंकि आगे मैं जो भी मसाले डालूंगी वो अच्छे इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हल्दी, रेड चिली पाउडर, अच्छी क्वांटिटी में डालना रेड चिली पाउडर क्योंकि स्पाइसी ही अच्छा लगता है। तो हम इसको फिर एक मिक्स करेंगे। देख सकते हैं आप, देखिए हल्दी ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालिए, नहीं तो नहीं। मैंने थोड़ी सी डाली है। फिर हम इसमें ये डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कॉर्नफ्लोर, मैदा और थोड़ा सा रेड कलर, फूड कलर। इसमें मैं, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने वाली हूँ तो फूड कलर कंपल्सरी है। फिर हम इसको एक दिन मिक्स करेंगे। देखिए मैंने मिक्स कर दिया है। इसे अच्छा मिक्स करने के बाद अब हमारा लास्ट स्टेप आ गया मैरिनेशन का, जिसमें हम काली मिर्ची पाउडर और 1 अंडा डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने काली मिर्ची पाउडर और 1 अंडा डाला हुआ है। फिर हम इसको फिर एक मिक्स करेंगे, अच्छा मिक्स कर लेंगे ताकि वो अच्छे से अंडा पूरा मिक्स हो जाए। वो मिक्स होने के बाद हम इसको 1 घंटा रख देंगे साइड में। 1 घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में तेल लेंगे, जब तेल का टेम्परेचर बहुत हाई होगा हम इसको डीप फ्राई करेंगे और कुछ ऐसे रंग जब हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। अब सॉटे करने की बारी। तो उसके लिए हमको खूब सारा करी पत्ता चाहिए, लहसुन कटा हुआ चाहिए और बहुत सारी हरी मिर्ची चाहिए क्योंकि इसमें इसी का फ्लेवर आता है। फिर 1 कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, हरी मिर्ची, लहसुन और करी पत्ता को सॉटे करेंगे। सॉटे करने के बाद जो हमने फ्राई करके चिकन रखा हुआ है हम इसमें डालेंगे। वो डालने के बाद हम इसमें सारे सॉसेस डाल देंगे, जैसे कि रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस एंड थोड़ा सा सोया सॉस। एंड दैट्स इट, इट्स रेडी टू बी सर्व्ड। देखिए मैंने इसको एक बोल में डाल दिया है। देखिए पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन 65 बना है। ये कलर इसीलिए आया है क्योंकि मैंने इसमें रेड फूड कलर यूज करा है। देखिए फिर हम इसको गार्निश कर देंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन से। एंड इट्स डन, चिकन, यमी चिकन 65 इज रेडी।